हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी जिसका नाम है मूंग दाल पकौड़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर तैयार होती है और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मूंग दाल पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मूंग दाल ले लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे सोक करने के लिए रख दिया था लगभग आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसका पानी ड्रेन आउट कर लिया है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से सोक हो गया है और अब हम इसका एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक मिक्सिंग जार, उसमें मैं डाल दूंगी ये मूंग दाल। तो सारा मूंग दाल इस तरह से इसमें डाल लें। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो पानी की क्वांटिटी जो है वो हमें बहुत ही कम रखनी है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/8 कप। हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसका कोर्स पेस्ट बनाना है। कोर्स पेस्ट बनाने से पकौड़े काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप इसका पेस्ट जो है वो थोड़ा सा गीला कर दीजिएगा तो आपका पकौड़ा जो है वो ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी नहीं बनेगा। और अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ध्यान रखें कि इसमें और पानी हम नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस टाइप का है। तो ये देखिए ये काफ़ी कोर्स है, ये फाइन पेस्ट नहीं है। और अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे इस तरह से। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 इंच अदरक ग्रेटेड। मिर्चा की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे ड्राई स्पाइसेस। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार नमक। मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छी तरह से ताकि सारे स्पाइसेस मूंग दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए ये मिक्स हो गई है और अब हम इसके पकौड़े तल लेते हैं। पकौड़ों को तलने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में सरसों तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी पकौड़ों को तल सकते हैं। सरसों तेल को हम हाई फ्लेम में पहले गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसका फ्लेम कम कर देंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसमें पकौड़े डाल देंगे जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है। अगर आपको हाथ से डालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तब आप स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आपकी कढ़ाई में स्पेस है उतना पकौड़ा आप एक बार में फ्राई कर सकते हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हम फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे। बीच बीच में आप इसे इस तरह से पलटते हुए रहें। हमें पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये एक्सेस ऑयल इस तरह से ड्रेन करें और आप इसे निकाल लें। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा दाल का मिक्सचर इस तरह से तेल में डालेंगे, फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे हम पलट पलट कर जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसका एक्सेस ऑयल ड्रेन कर लेंगे और इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारे क्रिस्पी मूंग दाल के पकौड़े। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।